ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बढ़ते खबरों की ओर। गरियाबंद जिले के संवेदनशील एवं दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 84 मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। जिले के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र आमा मोरा और ओड़ के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से मतदान दल को रवाना किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है। आपको बताते हैं, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में नक्सली उत्पात को देखते हुए सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आमा मोरा और ओड़ के एक ऐसा इलाका है जहाँ नक्सली गतिविधियों की संभावना होती है, इसलिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से मतदान दल को रवाना किया है। गरियाबंद जिले में दो पोलिंग बूथ क्रमांक 77 और 78 ओड़ और आमा मोरा जो संवेदनशील अति नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र को हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजा गया है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं पहले से ही, और बाकी जिले भर में सभी जगह मतदान केंद्र रवाना हो रहे हैं हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, गरियाबंद जिला नक्सल प्रभावित जिला होने की वजह से यहां सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिला प्रशासन ने पहले ही नक्सल प्रभावित इलाकों में 84 मतदान दल को रवाना कर चुके हैं। इसके बाद दो अति संवेदनशील इलाका है आमा मोरा और ओड़, यहाँ मतदान दल रवाना करने के लिए जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद लिया है, क्योंकि ओड़ और आमा मोरा पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये जो इलाका है पूरी तरह से नक्सलियों से घिरा हुआ है। यहाँ घने जंगल होने की वजह से सर्वाधिक नक्सली गतिविधि होने की संभावनाएं रहती है। इसीलिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से 14 सदस्य मतदान दल को वहां रवाना किया है और सुरक्षित वहां पहुंचेंगे और निर्वाचन वहां पे संपन्न करवाएंगे। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं शेख इमरान, भास्कर न्यूज, गरियाबंद। विकासखंड रामपुर नैकिन के शासकीय हाईस्कूल धनहा में पदस्थ स्थानीय